हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरी क्लाइंट्स का हेयर देख लीजिए, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर है, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और थिकनेस आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर है। तो इस पे मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा हेयर कट दिखाने वाली हूँ। देखिए, जब छोटे हेयर होते हैं तो उस पे तो आप बहुत ही इजीली स्टेप्स दे लेते हो, क्योंकि वो छोटे हेयर होते हैं और उस पे जो है शॉर्ट होने की वजह से उसमें लुक भी बहुत जल्दी आ जाता है। बट लंबे हेयर पे बिना लेंथ शॉर्ट किए उस पे स्टेप्स देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो लंबे हेयर पे कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट का कट कर रही हूँ। सामने से मैंने हेयर को थोड़ा सा लिया हुआ है, ये कान के सामने से मैंने बालों को लिया है इस तरीके से, और इसको मैं कम से कम 3 से 4 बार इसको ट्विस्ट की हूँ और इसको मैं बराबर कट करूँगी। फ्रंट से जितना कट करूँगी उतना मैं आपको दिखा दूँगी, और इतनी ही लेयर मैं सिर्फ फ्रंट से कट करने वाली हूँ, बाकी सारे हेयर्स जो हैं बैक साइड से कट होंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट से कट कर लिया है इस तरीके से, और उसके बाद में अब हम करेंगे बैक साइड से इनके हेयर कटिंग एक बार दोबारा से, और रीचेक कर लेंगे इनके बालों को इस टाइप से। तो मैं आप सबको यही इस कटिंग के थ्रू यही समझाना चाह रही हूँ कि छोटे जब शॉर्ट हेयर होते हैं ना, तो उसमें ग्रिपिंग करना, लेयरिंग करना, पकड़ना, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना काफ़ी इजी होता है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन इस तरीके से जब लॉन्ग हेयर आते हैं ना, तो इनको कोम करके ऊपर की तरफ लेके जाना, अगर आप प्रैक्टिशनर हो, आप हमेशा कर रहे हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग बिगनर्स अभी सीख रहे हैं और अभी नए नए हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है। तो अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स एरिया से पार्टिंग कर रही हूँ। बॉक्स से बिल्कुल इक्वली तीनों तरफ का आपका पार्टिंग होना चाहिए, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और लंबे बालों के लिए आप चौड़ी कोम यूज़ करेंगे। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, हर एक वीडियो में समझाती हूँ, बट पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। कई लोग ऐसा कमेंट्स कर देते हैं कि आप गलत कोम यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, मैं समझती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप जब टेल्का में यूज़ करें तो ही आपकी कटिंग प्रॉपर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी चौड़ी कोम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 2-in-1 कोम लिया, एक साइड में पतला है, एक साइड में थोड़ा सा मोटा है, जिसके दांते थोड़े से बड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि बालों को सुलझाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, और टेल्का में अगर आप इस तरीके से लंबे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और वो फंसेगा भी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये कोम यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कोम नहीं होती है कि आप बस टेल्कम से ही कटिंग करेंगे तो ही आपकी हेयर कट अच्छी आएगी, बिल्कुल ये मिथ है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं दो कोम यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि टेल्कम यूज़ करना चाहिए मैं टेल्कम यूज़ कर लेती हूँ, जहाँ पे लगता है कि नहीं अब चौड़ी कोम यूज़ करनी चाहिए तो मैं चौड़ी कोम यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, बॉक्स एरिया को मैंने कट कर लिया है, और सामने की तरफ ले जाके थोड़ा सा फ्रंट में झुका के करेंगे, ठीक है। सामने की तरफ झुका के करने से क्या होता है कि लेंथ भी शॉर्ट कम होती है, और साथ ही साथ स्टेप्स बहुत अच्छे आते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी ये चीज़ आप सबको बताई थी। तो बॉक्स एरिया तो कट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, यहीं से अपनी गाइडलाइन निकालेंगे। यही होती है गाइडलाइन, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि गाइडलाइन दिखाते, तो यही तो गाइडलाइन है। जब फर्स्ट लेयर कट हो गया है, बॉक्स एरिया मैंने कट किया है, जो तीनों तरफ के लिए मैंने थोड़े थोड़े बालों को निकाला है, वही हमारी गाइडलाइन हो गई नीचे के बालों को कट करने के लिए। और अब जो बाकी का हेयर बचा है उसको हमें क्लिपिंग कर देना है, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि ऐसी कटिंग मैंने और भी आपको दिखाई है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही डिफरेंट नहीं है, मैंने दिखाया हुआ है बट छोटे बालों पे दिखाया है, बट और आज आप जो है बिल्कुल लंबे बालों पे देख पाएंगे कि कैसा लुक आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेक्शनिंग कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी थिक हेयर है, तो इसको मैं 4 से 5 भागों में डिवाइड कर लूँगी। और ये देखिए, हाथ को थोड़ा घुमाते हुए कोम करना है, ऐसा रखना है, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाना है। आप बिल्कुल इकट्ठा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो हेयर पूरी तरीके से उलझ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे कोम करते हुए ऊपर की साइड में जाना है, और अपने हाथों को पूरा ऊपर की साइड लेके जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, और थोड़ा सामने की तरफ झुकाएंगे। ये देखिए, मैंने फ्रंट की तरफ झुकाया, और अपनी गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगी। तो देखना कितना आसान तरीका है, बॉक्स एरिया कट करना है, बॉक्स एरिया से गाइडलाइन निकालनी है, और उसके बाद इस तरीके से आपको लेयर उठाते जाना है और कट करते जाना है।
तो हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से कटिंग करता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत तरीके से है या गलत कर रहा है। हाँ, कोई कोई होता है जो नहीं कर पाता है, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी जो प्रोफेशनली लोग कर रहे हैं तो सबके तरीके अलग होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको उठाना है और कर देना, देखा ना कितना आसान है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे और गीले बाल में करेंगे, क्योंकि काफ़ी थिकनेस है इनके बालों पे, आप देख ही सकते हैं। और आगे की लेयर को कट करने के लिए हम यहीं से गाइडलाइन निकालेंगे। ये देखिए, जिस लेयर को हम कट करते जाएंगे वहीं से हम गाइडलाइन को निकालते हुए चलेंगे। ये देखिए, और मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि मैम यही वाला जो मल्टी स्टेप्स का जो हेयर कट है, थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको लंबे बालों पे दिखाइए। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में मुझे ये हेयर कट ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये देखिए, ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलेंगे इस टाइप से। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आते हैं कटिंग कराने, तो उनके यार अगर छोटे रहते तो लोग बोलते हैं कि लंबे थे, बहुत छोटे हो गए, किसी और पार्लर में गए थे। तो स्टेप्स के नाम पे ऐसा होता है कि कई लोग बहुत शॉर्ट कर देते हैं। तो आप लोग सीख रहे हो, मैं इतना मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, तो मैं वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि लेंथ कभी भी आप अपने क्लाइंट से पूछे बिना शॉर्ट नहीं करेंगे। जितना वो बोले उतना आप करें, और दूसरी बात है उनके अकॉर्डिंग आप कम से कम 2 इंच 2.5 इंच छोड़ के ही करें इस तरीके से। और देखिए, लंबे बालों पे भी आप स्टेप्स कट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से, और देखिएगा इनका लुक कितना बेहतरीन आने वाला है। और बिना सेटिंग का दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि सेटिंग करके दिखाऊं तो ही आपको अच्छा लगे, आप बिना सेटिंग के भी इनके हेयर का लुक देख पाएंगे। तो ये देखिए, गाइडलाइन मिक्स करते हुए जाना है और करते हुए चले जाएंगे, कितना आसान सा तरीका है। ये देखिए, तो प्लीज़ जो लोग भी हेयर कट करवाते हैं, जो लोग पार्लर नहीं चलाते हैं, वो लोग सिर्फ शौक रखते हैं कि मुझे ऐसा कट करवाना है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, आप किसी अच्छे पार्लर में जाएं और इस तरीके से आप अपना हेयर कट ले सकती हैं लंबे बालों पे बिना लेंथ शॉर्ट के। आप खुद मेरी क्लाइंट्स का लेंथ देख पाएंगे, मैंने बिल्कुल भी इनके लेंथ को शॉर्ट में नहीं कर रही हूँ, जितना ये बोली हैं उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा छोड़ के ही कट करूँगी। ये देखिए, ऊपर की तरफ ले जाना है, हाथों को फुल्ली ऊपर उठाना है, और कटिंग के लिए आप हाथ नीचे की तरफ ला लेंगे, ओके, क्योंकि आप ऊपर की तरफ ले जाके कट करेंगे तो हाथों में पेन भी बहुत होगा और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है वैसा करना। ये देखिए, अच्छे से कोम करेंगे और रीचेक भी करते हुए चलेंगे। दोबारा से देखिए, मैं रीचेक कर रही हूँ, अच्छे से बालों को सामने की तरफ ऐसा झुका के लेके जाऊंगी और कट कर दूंगी। और आप देखेंगे कि लंबे बालों पे भी कितना ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। तो प्लीज़ अपने मन से डर हटा दीजिए कि स्टेप्स कट कराएंगे तो छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी लंबी है तो वो लंबी ही रहेगी, और आप इस तरीके से वीडियो दिखा के भी हेयर कट अपना करवा सकते हैं। तो देखिए, ये कटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बारी आती है स्टेप्स को मिक्स करने की, ठीक है। बाहर में आवाज़ें आ रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग पार्लर में चल रही है, मेरा पार्लर ऑन रोड है तो यहाँ पे थोड़ी सी तो डिस्टर्बेंस हो सकती है, गाड़ियाँ चलते रहती हैं। तो स्टेप्स की मिक्सिंग करने के लिए पता है आपको क्या करना, आधे से ज़्यादा बालों को उठा लेना है, सिर्फ थोड़े से हेयर नीचे की तरफ आपको छोड़ना है, और बहुत ही आराम से बिल्कुल सफाई के साथ में कोम करते हुए आपको ऊपर की तरफ चलना है इस टाइप से। देखिए, आपके हाथ से एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए। देखिए, अच्छे से कोम करते हुए जाना है, छोटा छोटा अगर छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़े हेयर बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए। ये देखिए, थोड़ी मेहनत है लेकिन कटिंग भी आप देखिएगा कितना अच्छा आएगा, और इसको बिल्कुल ऐसा इक्वली कट कर देना। तो इससे क्या हुआ कि सारे स्टेप्स एक दूसरे से मिक्स हो गए। ये देखिए, लुक आप देख सकते हैं। अब हम इसमें करने वाले हैं यू कट, यू कट बोल सकते हैं या वी कट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डीप में देना है और हल्की सी फिनिशिंग देना है आपको। ये देखिए, तिरछा तिरछा कट करते हुए चले जाएंगे लेयर को पकड़ते हुए इस तरीके से। तो अगर मेरे बताने समझाने का तरीका आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें कि आप सबको कैसा लगा। और मुझे इंतज़ार होता है आप सबके कमेंट्स का, और बहुत खुशी भी होती कि वीडियो डालते जब आप लोग कमेंट्स करते ना तो
अच्छा लगता है कि हाँ आप सबको वेट रहता है मेरी वीडियोस का। और कई लोग बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, इसी वजह से हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं आती। शेयर करोगे तो नोटिफिकेशन सबको मिलेगी और बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए इनके हेयर कट का फाइनल लुक, मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा दिखा देती हूँ एक एक। आप देखेंगे स्टेप्स बिल्कुल निखर के सामने आए हैं, ये देखिए। और मैं कोई सेटिंग करके आपको इसीलिए नहीं दिखा रही, क्योंकि सेटिंग के बाद तो चलो ठीक है वो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप बिना सेटिंग का भी आप हेयर देख सकते हैं कि कटिंग होने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। मेरी क्लाइंट्स को बहुत पसंद आया और यहाँ पे जितने सारे लोग थे उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो देखा ना बिना लेंस शॉट किए भी किस तरीके से आप स्टेप्स कटिंग कर सकते हो, भी लंबे और घने बालों पे। तो आप सब ज़रूर बताना आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। और ये हैं इनके कटे हुए हेयर्स।